और भाई क्या हाल है मोनू तेरे? पेनीवाइज हूँ मैं, पेनीवाइज जाना। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। हम ये पेनीवाइज का बच्चा तो हमारे कार में भी आ गया। मुझे इसे कैसे उधर के पीछे छुड़ाना ही होगा। पेनीवाइज है मेरा नाम, बच्चों को खाना और जगाना मेरा है काम। मैं तुझे बताता हूँ। ये देखो चौप, मैंने बॉल फेंकी है, जल्दी से लेके आओ। क्या हुआ, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो अभी तक? मैंने बोला ना लेके आओ जल्दी से। है मेरा छोटा कजन, जो कि ना कुछ दिन पहले ही आया है मेरे घर, और आते ही ना इसने मेरे GTFM के सर्वर में ना काफी गंदगी मचा के रख दी है। बस ये मेरे सर्वर में अजीब हरकतें ही करता रहता है। लेकिन आज का इस वो वक्त आ चुका है कि मैं इसे बदला लूं। और इससे बदला लेने के लिए ना मैंने ये कॉस्ट्यूम खरीदा है पेनीवाइज का, वो भी 150 रुपए दे के। मेरे छोटे कजन मोनू को ना पेनीवाइज से काफी डर लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा पेनीवाइज से मोनू को डराया जाए। तो गाइस यार, अब तो मुझसे बिल्कुल भी इंतजार ही नहीं हो रहा है, मैं तो काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। पता नहीं ये मोनू का रिएक्शन कैसा होगा। मेरे हिसाब से वो पक्का डरने वाला है, पेनीवाइज से उसकी फटती है। तो गाइस हम लोग जल्दी से पहनते हैं सूट को। एंड गाइस ये सूट ना मेरे हिसाब से तो काफी कमाल का लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ जरा, मुझे तो फिटिंग आ रही है बिल्कुल। तो गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं। एक सेकेंड, इसने जंप मारा ना, लगते कि इस सूट में ना जंप वाली पावर भी है। ये देखो हम लोग यहाँ पर इतने जंप मार के आ गए। और भाई क्या हाल है मोनू तेरे? पेनीवाइज हूँ मैं, पेनीवाइज पहचाना? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा है। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं तुम्हारे ऊपर ये बॉल फेंक के मारूंगा, फिर तुम्हें अकल ठिकाने आएगी। हाँ तो फेंको ना, मैंने कब मना किया, फेंको। अच्छा तो ये लो, लगा तुम्हें ना, लगा ना, मैं एक और मारूंगा, ये लो। अरे तुम मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मुझसे दूर ही रहो। मोनू मैं पेनीवाइज हूँ, मैं तुम्हें खा लूंगा, समझे ना। मैं बच्चों को खाता हूं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, अभी मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे खा लेगा। अरे अरे चौप, तुम भी आ जाओ जल्दी से मेरे पीछे, हम लोग जल्दी यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं अब ये चौप कहाँ पर रह गया। अरे चौप तुम जल्दी से आ जाओ, चलो हम लोग जल्दी से गाड़ी में चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं, हमारे घर में तो पेनीवाइज है। चलो तो अब मैं जल्दी से इस कार को स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले कि पेनीवाइज इस कार में भी आ जाए। लेकिन ये क्या, ये पेनीवाइज था ना? एक सेकेंड में फिर से देखता हूँ, शायद इस बार नहीं। अरे नहीं, ये तो पेनीवाइज ही है, मुझे जल्दी गाड़ी को भगाना पड़ेगा। ये पेनीवाइज का बच्चा तो हमारे कार में भी आ गया, मुझे गाड़ी को जल्दी स्पीड भगाना पड़ेगा। अरे क्या करूँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोनू गाड़ी को आस्ते चला भाई, ठोक जाएगी यार। देखे ना तूने ठोक दी भाई, कितनी कीमती गाड़ी है तुझे पता है ना, तो ठोक क्यों रहा है तू? फिर ये पेनीवाइज ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, ये मुझे अपनी बातों में उलझाना चाहता है ताकि मैं इसके झांसे में आ जाऊं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं निकल लूंगा, मैं तुमसे पीछा छुड़ा लूंगा। क्या वो पेनीवाइज चला गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चला गया। ये देखो वो तो चला गया, अच्छी बात है। देखा चौप, मैंने उस पेनीवाइज को कैसे भगाया। ये क्या, अचानक से मुझे कुछ मैसेज आ रहा है, चलो मैं जल्दी से देखता हूँ। ये क्या, ये तो पेनीवाइज की तरफ से है। मोनू मैंने तुम्हें ना एक लोकेशन दिया है, अगर तुम उस लोकेशन पे ना जल्द से जल्द नहीं पहुँचे ना तो तुम मारे जाओगे। अरे ये क्या, पेनीवाइज ने तो मुझे धमकी दी है, अब मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे मार देगा, लगता है कि मुझे जाना ही होगा। लेकिन वो मुझे वहाँ पर क्यों बुला रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शायद से कहीं वो मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहा है ना। अगर मैं वहाँ पर पहुँचा तो हो सकता है कि उसने मेरे लिए ट्रैप बिछाया हो, और जब मैं उन ट्रैप्स में फंस जाऊँ तो वो मुझे कहीं मार ना दे। गाइस ये मेरा छोटा कजन तो काफी ज्यादा यार डरपोक निकला, ये तो काफी डर रहा है पेनीवाइज से। वैसे गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं ना अभी कार में ही हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं दिखूंगा क्योंकि ना मैं भी अभी ना कार के डिक्के के अंदर हूँ। तो अब लगता है कि हम लोग अपने लोकेशन की तरफ पहुँच चुके हैं, चलो अभी हम लोग जल्दी यहाँ से उतरते हैं। चलो तो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हमें पेनीवाइज ने क्यों बुलाया है। वैसे मुझे ये जगह जानी पहचानी लगती है, इस जगह का तो मैंने पहले भी देख रखी है। ये तो एक ग्रेवयार्ड है, यानी कि कब्रिस्तान। और गाइस पता नहीं पेनीवाइज ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे तो काफी डर लग रहा है, कहीं वो मुझे यहाँ पर दफनाने तो नहीं वाला मार के। चौ तो तुम आ गए, तुम तो काफी वफादार हो। गाइस तो मैं फाइनली निकल चुका हूँ इस कार के डिक्की से। और गाइस यार अब ना काफी मजा आने वाला है, मैं ना अपने भाई को काफी गंदे तरीके से प्रैंक करूंगा। तो चलो अभी तो फिलहाल प्रैंक काफी अच्छा चल रहा है, अभी चलता रहेगा और भी। गाइस अब चलते हैं जल्दी से यार उसके पास, देखते हैं भाई वो कैसे डर के भागता है। और गाइस यार देखो कैसे मजे से खड़ा है ऊपर में, उसके साथ चौप भी है। चलो कोई नहीं, चौप भी डर रहा है बीच बीच में। अच्छा तो मोनू तू कैसा है, देख मैं यहाँ पर भी आ गया, तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर, मुझे
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे इसे कैसे वगैरह के पीछे छुड़ाना ही होगा, मुझे भागते रहना पड़ेगा, ये तो मेरे पीछे आए जा रहा है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, भागने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। चलो मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ और इस सीढ़ी के सहारे ऊपर जाता हूँ। मुझे तो लगता है गाइस वो मेरा पीछा कर ही नहीं रहा है, लेकिन एक सेकेंड लगता है कि वो इधर ही आ रहा है, लेकिन वो इतना व्हाइट क्यों दिख रहा है? अरे ये क्या, ये तो पेनीवाइज ही है। चलो जल्दी भागना पड़ेगा मुझे, अब तो काफी देर भी हो चुकी है, लेकिन ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो बस पीछा पे पीछा कर जा रहा है। बस छोड़ दे मुझे, मुझे जाने दे, क्यों परेशान करके रख दिया है तूने मुझे? पेनीवाइज है मेरा नाम, बच्चों को खाना और डराना मेरा है काम, तो तुम कहीं और जाके काम करो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ। चौक तुम ही बताओ ना। आई एम द डांसिंग क्लाउन पेनीवाइज, मैं झुकेगा नहीं साला। कौन परेशान करके रखती है मुझे, और मेरा डायलॉग कौन मार रहा था? अच्छा तो तू भद्दा सा दिखने वाला जोकर, तू मेरी डायलॉग मारेगा और साथ में मेरा जैसा ड्रेस कॉपी करेगा। अभी मैं तुझे बताता हूँ, तो कैसा लगा तुझे मेरे मुख का इलाज भी कैसा लगा बता जरा, पढ़ाया मेरा डायलॉग कॉपी करने वाला? अरे तुम तो असली हो, मैं तो डर ही गया। गाइस अगर आपको उसका पार्ट टू चाहिए तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हो, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं गाइस आप लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ना बाय बाय। ओए पेनीवाइज प्लीज मुझे मत खाना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। चॉप तुम भी आ जाओ।